अभी टिकट नहीं है अंदर, समझ लो जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग क्यों बैठे हैं अंदर? आप लोग किसी दूसरे की बात सुनेंगे? मैं पिछले आधा घंटे से आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। मुझे बहुत दुख है कि आपके साथ घटना हो गई थी, और इस बात की भी है कि हम लोग आपकी ये सुरक्षित सामान नहीं करा पाए, उस बात का जवाब इस समय नहीं दिया जा सकता। अब हम आपके साथ आप बुजुर्ग आदमी है, आप बुजुर्ग आदमी है, अगर आपको ये लगता हो कि ट्रेन को यहाँ खड़े रखने से नंबर के रहा होता है, देखिए आपका दोबारा बन जाएगा वो। मैडम आप रिलैक्स रहिए, 50% रखते हैं, जवाब नहीं है आपके चिल्लाने से। मैं आज सुबह प्लेटफार्म नंबर 2 रेलवे स्टेशन मुजफ्फरनगर पे समय करीब 9:15 बजे अहमदाबाद हरिद्वार में लाई थी, उसके कोच संख्या जो है S7 में एक महिला का सामान पीछे पालम दिल्ली के आसपास चोरी हो गया। उसमें फ़ोन था, उसके हैंडबैग थे, तो वो लोग मेरठ निकलने के बाद जगे, उन्हें अपने घटना का पता लगा, उन्होंने आसपास खोजबीन की तो उन्हें जो है कुछ मिला नहीं। और यहाँ से ट्रेन मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन छूटने के बाद तो उन्होंने उत्तेजित होकर इस मामले को जो है ट्रेन की चैन पोलिंग की। मैं जो है हमराई फोर्स के साथ गया, मैंने महिला से बातचीत की, एस्कॉर्ट कर्मचारियों से बातचीत की, ट्रेन के गार्ड TT से बातचीत की, महिला को समझा बुझा के उसे बताया गया कि आपके साथ हुई घटना की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और उसकी चलित FIR ट्रेन में मौजूद एस्कॉर्ट कर्मियों को बताया कि इनका चलित FIR रिपोर्ट की जाए और संबंधित को भिजवा दी जाएगी। महिला को समझाया गया, बताया गया और ट्रेन सकुशल रवाना की गई। बताया जरा 2-3 बार चैन पुल इंक्रीज में पहले करी फिर दोबारा फिर? हाँ, 2-3 बार ट्रेन का चैन पुल हुआ है और वो महिला जो है अपने परिवार के साथ यात्रा कर रही थी, उसके टिकट वगैरह थे तो वो उस काफ़ी दुखी थी उस घटना से, अपने साथ तो हुई। कौन लोग हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? ये गुजराती फैमिली थी और हरिद्वार जा रही थी।